अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट का जो टैब है ये स्टार्ट किया हुआ, और इंसर्ट के टैब से हम लोगों ने पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर और शेप तक और इसके आगे जितनी फॉर्मेटिंग टूल्स हैं उन सबको कर लिया। आज इसी के अंदर नेक्स्ट हमारे पास है स्मार्ट आर्ट। मैंने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया। स्मार्ट आर्ट बेसिकली आपकी डायग्राम्स ऑफिसेज में काफी जगह पे ये इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ तरह की डायग्राम जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लिहाज से इस्तेमाल होती है। एक डायग्राम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो है हरार की डायग्राम, जिसमें क्या है जी कि जीएम है ऊपर, उसके नीचे उसके दो असिस्टेंट है या तीन असिस्टेंट है, फिर नीचे कुछ डायरेक्टर्स आ गए, फिर उनके नीचे कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर आ गए, फिर उनके सुपरवाइजर आ गए, तो वो हरार की डायग्राम जो सबसे ज्यादा मोस्टली कंपनी के अंदर इस्तेमाल होती है। बाकी काफी सारी डायग्राम्स यहाँ पे आल में देखें तो ये आपको काफी डायग्राम नजर आ रही है। अगर हम पर टॉपिक वाइज देखें तो ये देखें लिस्ट की अलहदा है, प्रोसेसिंग की अलहदा है, साइकिल वाइज अलहदा है, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पैरामिड, पिक्चर्स और ऑफिस के लिहाज से तमाम डिफरेंट डायग्राम्स हैं। तो हम यहां से कोई भी, मैं आल को सिलेक्ट करता हूं, कोई भी डायग्राम जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने यहां से एक डायग्राम सिलेक्ट की, लिस्ट में हम आते हैं या प्रोसेस में, साइकिल में आते हैं, मैंने ये एक डायग्राम सिलेक्ट। ठीक है, यहां से कोई भी प्रोसेस साइकिल जो है वो मैंने सिलेक्ट किया, ओके। इसके बाद आप देखिए जिस तरह हमारे पास पिक्चर के लिहाज से, शेप के लिहाज से ड्राइंग टूल बार थी, इसी तरह स्मार्ट के लिहाज से भी आ गई, लेकिन इसमें क्योंकि शेप से लगी हुई है तो यहां पे फॉर्मेट टूल वो भी आ रहा है। ये देखो शेप अगर मैं क्लिक करता हूं फॉर्मेट पे तो ये वही है जो हमने कल की थी, लेकिन अब क्योंकि हम लोग शेप स्मार्ट आर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके डिजाइन आ रहे हैं मेथड। आपने टेक्स्ट लिखना है तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करो, क्लिक करो और टेक्स्ट लिखना शुरू करो। आईसीएस, बीसीएस, एमसीएस, एमएस एंड पीएचडी। इसके बाद अगर आप लोगों ने कोई और टैब ऐड करनी है तो हमारे पास ये देखिए ऐड शेप है, मैंने यहां पे क्लिक किया, शेप मेरी ऐड हो गई। ठीक है, मुझे डिलीट करना है तो आप इसे क्या कर सकते हो, शेप को सिलेक्ट करो और सिंपल डिलीट बटन प्रेस कर दो तो आपकी शेप डिलीट भी हो जाएगी। बाकी आपने राइट पे करना है, लेफ्ट पे करना है, ये आप पे डिपेंड है। इसके बाद इसका लेआउट, अब हमारे पास मुख्तलिफ तरह के लेआउट्स पड़े हैं। मैंने क्योंकि ये सिंपल सिलेक्ट किया था, मैं इसके बाद ये सिलेक्ट करता हूं, मैं कहता हूं नहीं ये हो जाए, मैं चाहता हूं नहीं ये बन जाए, जो स्टाइल आपको रिक्वायर्ड है आप वो शेप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने इस दफा ये सिलेक्ट कर लिया। साथ इसकी कलर स्कीम है, आपकी मर्जी आप इसको एक दो कलर में रख लो, आपकी मर्जी आप इसको मल्टी कलर में ले लो। ये देखो ये इस पे मल्टी कलर्स है, कोई भी स्टाइल आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहां पे ये अप्लाई कर, जब कलर स्कीम अप्लाई की तो कलर स्कीम के लिहाज से ही इसके इफेक्ट पड़ेंगे। ये इफेक्ट मैंने आपको लास्ट टाइम जब हमने शेप्स की थी वहां पे, ये देखो B1 में पड़े हुए हैं, ठीक है 3D में पड़ा हुआ है, तो हम यहां से कोई सा भी इफेक्ट जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फादर मैंने ये अप्लाई, मेरा एक शेप जो है, एक ड्राइंग जो है वो बन गई और उस पर मेरी मर्जी का जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो गया। इसके बाद इंसर्ट, स्मार्ट आर्ट, कोई और डायग्राम देख ली, अब मैं एरो में ले लेता हूं,
मैंने ये सिलेक्ट की, ओके अब आप इसमें टेक्स्ट लिख लो, क्लिक करो और टेक्स्ट लिख लो। ठीक है, अब इस पे भी जो डिजाइन अप्लाई करना है, ऐड शेप करनी है, मैं चाहता हूं जी ऐड यहां पे शेप ऐड करनी है, तो मैं ऐसे कहता हूं कि पोजीशन भी ऐसा ऐड, अगर बुलेट्स लगाने तो आप उसमें बुलेट्स लगा सकते हो, ठीक है, अंदर ही लगेंगे बुलेट्स, हाँ उसी शेप के अंदर ही, देखो टेक्स्ट भी छोटा हो जाएगा, शेप का साइज वही रहेगा, शेप का साइज चेंज नहीं होगा, लेकिन उसमें मजीद टेक्स्ट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं कंट्रोल सी। आपने इसको डिलीट करना है, मैंने डिमोट कर दिया है, लेफ्ट पर शिफ्ट करना है, राइट पर शिफ्ट करना है, जिधर आप करना चाहते हो कर लो, वही स्टाइल पड़े हैं, डिफरेंट फॉर्मेट है, जिस मर्जी फॉर्मेट में इसको अप्लाई कर लो। मैंने ये स्टाइल लगा दिया, उसी तरह से कलर स्कीम है, उसी कलर स्कीम के मुताबिक उसका डिजाइन है। तो स्मार्ट आर्ट में हमारे पास मल्टीपल डायग्राम है, आपको जो रिक्वायर्ड है वो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है जी इंसर्ट चार्ट। आपने देखा होगा काफी जगह पर, खास करके जहां पे एनुअल मीटिंग, समाही मीटिंग या सशमाही मीटिंग हो रही है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, हम फाइलों का पलंदा उठा के नहीं ले जाते कि ये जी हमारा बजट 3 मार्क का था, नहीं, हम लोग एक ही ग्राफ में एक ही एक्सेल की शीट बनाई, इसमें बजट शो किया, साथ उसका ग्राफ प्रेजेंट कर दिया कि सर हमारा इन इन टॉपिक्स पे जो है हमारा इतना इतना बजट लगेगा। देखने वाले को क्या आसानी हुई, वो इसी ग्राफ से समझ आएगा कि किस में कितना इनका पैसा लग रहा है, ठीक है। अब ये नहीं है, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि हर डिपार्टमेंट को अपने हर बैलेंस के लिए अलग से एक फाइल क्रिएट करनी है, वो जो पढ़ने वाला वो भी थक जाएगा यार, ये 100-200 फाइलें बन के आ गई, क्या करेगा वो, कुछ भी नहीं कर सकता वो, किसी और ऐसे बंदे को लगा देगा जिसको पता भी नहीं होगा उस कॉन्सेप्ट का, और वो फाइल्स को सर्टिफिकेट जी ओके है, बेशक उससे सारे सारे गलत उसने करवाए। तो इसमें आप उसी तरह देख ले, लाइन चार्ट, पाए बार, इसमें काफी सारे चार्ट के टाइप्स हैं, कोई भी टाइप आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, ज्यादातर क्योंकि ये कॉलम और बार चल रहा होता है, अब बार किस स्टाइल में हो ये आपकी अपनी मर्जी। मैंने यहां से ये सिलेक्ट कर लिया, एरिया लेना है एरिया ले लो, स्टॉक में लेना है इसमें ले लो, ठीक है, मैं फिलहाल कॉलम में जाता हूं, कॉलम मैंने ये सिलेक्ट किया, ओके। जैसे मैंने इसे ओके किया, मेरे पास देखिए एक्सेल की शीट ऑटोमेटिकली ओपन हो गई, ये देखिए, क्योंकि यहां पर हमने डाटा इनपुट करना है, जो डाटा हमारे पास होगा उस डाटे के मुताबिक मेरा जो ये चार्ट है, ग्राफ जो है, ये डिजाइन होगा। मैं यहां पे कुछ भी एडिटिंग करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे कहता हूं 5.5, 6.5, 4.6, 4.6, 6, 4.7, प्रोडक्ट्स के हिसाब से नाम दे देना, यहाँ पे आप नाम दे दो, सीरियल वन की जगह दे दो लक्स दे देते हैं, इधर टोल दे देते हैं, यहाँ पे उसको दे देते हैं जो भी इसके है, काउ कर देते हैं, क्या हो गया कैटम गरी के अंदर सोप है, इसके बाद आप शुगर, ठीक है, तो कैटेगरी वाइज जो है ये अब हमारे सामने जो है वो डिस्प्ले हो गया, जैसे आप क्लोज करोगे तो आपका चार्ट जो है वो फिक्स होगा। अब उसी चार्ट के लिहाज से हमारे पास फिर एक डिजाइन डिस्प्ले हुआ, अब मैंने चार्ट तो बना लिया, कलर स्कीम चेंज करनी है, कलर स्कीम चेंज कर लो, ये देखिए कंप्लीट एक कलर स्कीम है, एक दो सिलेक्ट नहीं हो रहे,
पूरी ये एक बार सिलेक्ट होगी, मैंने ये बार सिलेक्ट कर ली। लाइट कलर स्कीम में जाना, ये देखो ये लाइट में आ जाएगी। इसके बाद इसके स्टाइल्स हैं, आप कोई भी स्टाइल इस पे अप्लाई कर सकते हो। इसको आप एक्सपेंड करो, जो स्टाइल आपको रिक्वायर्ड है वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्ट डेटा इट मींस कि आप फिर दोबारा एक्सेल शीट में जाके डेटा को चेंज करना चाह रहे हो, और एडिट डेटा भी कर सकते हो। जो डेटा आपने दिया है वो उसमें थोड़ी कमी बेशी रह गई, उसको आप जाके तब्दील कर लो। सिलेक्ट डेटा में क्या आप हो सकता है कि एक कॉलम डिलीट करना चाहो, तो आप जाके सिलेक्ट डेटा में जो कॉलम को सिलेक्ट करोगे डिलीट कर दो। तो यहाँ पे फिर दो दो रोज हमारे पास इसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट के अंदर स्क्रीन शॉट। जिस तरह हम लोग आम रूटीन में लाइव कैमरा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है स्क्रीन क्लिपिंग कि हम लोग कोई भी पिक्चर कोई भी डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास डेटा डिस्प्ले हो रहा है, हम उसको कैप्चर कर लेते हैं। मैंने क्लिक किया स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर, ये देखिए स्क्रीन मेरी थोड़ी सी डिम हो जाएगी, डिम हो गई है। अब मुझे सिर्फ यहां से ये पोर्शन चाहिए था, मैंने जैसे सिर्फ क्लिक छोड़ा वो फौरन वहां पे पिक्चर बन के आ गई। अब उस पिक्चर का ही जो लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, तमाम के तमाम इफेक्ट जो है वो डिस्प्ले हो गए। सही से हम कोई भी पिक्चर कोई भी अगर वीडियो आप कोई वीडियो देख रहे हो आप फौरन उसको कैप्चर कर सकते हो। कोई आप किसी नेट पे कोई जो है डॉक्यूमेंट देख सकते हो, सेव करने की ऑप्शन नहीं है, आप स्क्रीन शूट कर दो। प्रिंट स्क्रीन से ज्यादा आसान है कि आप वर्ड के अंदर उसको स्क्रीन शूट कर दो। इसके बाद अभी मैं यहां से कुछ कमांड स्किप कर रहा हूं और मैं डायरेक्ट आ रहा हूं हेडर फुटर और पेज। आपको पता है कि हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें बाय डिफॉल्ट जो इसका साइज होता है बॉटम और टॉप का, ये हमारे पास होता है तकरीबन एक इंच ऊपर से, ये देखिए इधर से भी एक इंच इसने ऑफ किया हुआ है और यहां से भी एक इंच, तो ये हमारा टॉप एंड बॉटम है। हमारी मर्जी हम अपने डॉक्यूमेंट की जो मार्जिन है वो 0.5 पे रख लें, लेकिन जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो एक इंच चल रहा है चारों साइड। अब मैंने एक इंच के ऊपर क्यों रखा जाता है, इसीलिए रखा जाता है कि आप हेडर फुटर आसानी से अप्लाई कर लो। मैं हेडर पे जाता हूं, यहां पे आप देखिए आपके पास बने बनाए हेडर्स पड़े हुए हैं, काफी सारे स्टाइल हैं। कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट करो आप उस पर अप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट किया, इसके लिए मैंने क्लिक किया जस्ट क्लिक और टेक्स्ट को एडिट कर लो माय पर्सनल डॉक्यूमेंट। अब इसी तरह से देखो फॉरन नई टैब एक डिस्प्ले हो गई है जो क्या है हेडर एंड फुटर डिजाइन। अब आपको दोबारा इंसर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से फुटर ले लो। इसी स्टाइल में भी पड़े फुटर है, ये पड़ा हुआ है, मैं कहता हूं नहीं नीचे वाला स्टाइल जो वो डिफरेंट हो, मैं ये लगा रहा हूं पेज नंबर, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब ये पेज नंबर लग तो गया मेरे पास लेकिन मुझे आवाज नजर नहीं आ रहा। मैं क्या करता हूं, होम में जाता हूं, एक दूसरा फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूं और इसका कलर चेंज कर देता हूं। दूसरा मैं कहता हूं इसके ऊपर का जो बॉर्डर है वो लग जाए, ठीक है। ये देखिए मैंने टॉप का बॉर्डर जो है वो लगा दिया, तो ये मेरे पेज के एक, अब मुझे क्या है दोबारा से पेज नंबर लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, क्यों, मैंने फुटर में सेलेक्टिव वो किया जिसमें पेज नंबर लगा हुआ। तो अब मैं फिर दोबारा जाता हूं, ये देखिए अब जितने पेजेस आप लगाते जाओगे ये हर पेज के ऊपर खुद ही हेडर एंड फुटर जो है वो अप्लाई होता जाएगा। इसमें मेरे पास तीन पेज हैं तो तीन वो बता रहा, दो से तीन, एक से तीन और थ्री टू थ्री, यानी कि अब मैं थर्ड पेज के ऊपर मौजूद है। इसके बाद इंसर्ट पेज नंबर, उसके लिए फिर सेटिंग करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग पेज और एंडिंग पेज देना पड़ेगा, वो बाद में, वो जब मैं आपको वाटर मार्क पढ़ाऊंगा ना उस वक्त बताऊंगा कि कैसे वो सेट करते हैं। मैं कहता हूं पहले तीन पेजेस पे ना हो, चौथे पेज से शुरू हो, इसी तरह वाटर मार्क है जो पहले दो पेजेस पे ना हो, नेक्स्ट पेज उसमें होता है सेक्शन क्रिएट करना, वो डॉक्यूमेंट के ऊपर सेक्शन क्रिएट होता है,
उसके अंदर वो सारे कमांड्स करेंगे, वो आगे वाटरमार्क में आएगा। पेज नंबर, अब जब मैंने पेज नंबर क्लिक किया तो एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास इस टेक्स्ट में छह यानी सिक्स डिफरेंट जगह है, एक टॉप का राइट, टॉप का सेंटर, टॉप का लेफ्ट, इसी तरह बॉटम राइट, बॉटम सेंटर और बॉटम लेफ्ट, तो छह हमारे पास ही है। आपकी मर्जी आप टॉप पे नंबर लगा लो, आपकी मर्जी आप बॉटम पे लगा लो। अब यहां पे आप अगर पेज नंबर पे देखें टॉप, तो उसने वो तीनों दे दिए, लेफ्ट सेंटर राइट। अब नीचे उसने स्टाइल दे दिया, आपकी मर्जी आप जो स्टाइल ले लो। ये देखो एक दो, फिर ये दो, फिर ये दो, ठीक है। इसी तरह से मैं कहता हूं नहीं बॉटम पे, तो आप बॉटम पे स्टाइल आ गए। मैं कहता हूं नहीं मार्जिन में, यानी ये जो एक इंच मेरे पास बच रहा है या इस तरफ या इस तरफ, यहां पे पेज नंबर। बहुत कम इंटरनेशनल एडिशन देखे गए हैं जिनमें मार्जिन्स के अंदर उन्होंने पेज नंबर लिखे हैं, वरना मार्जिन्स में नहीं लिखते। ज्यादातर यह टॉप होता है, टॉप सेंटर या बॉटम सेंटर, ज्यादातर पेज नंबर जो है यहां पर लगाए जाते हैं। करता हूं ड्रॉप कैप, यहां पे सबसे पहले तो हम टेक्स्ट लेके आते हैं, फाइल ओपन, यहां से मैं ये टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसी की एक कॉपी और बना लेते हैं। ये मैंने टेक्स्ट लिया, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस ए को ड्रॉप कैप करता हूं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां से गया ड्रॉप कैप के ऊपर, क्लिक किया ड्रॉप, तो ये देखिए मेरा डॉक्यूमेंट ड्रॉप हो गया, वो टेक्स्ट जो है वो ड्रॉप हो गया। मैं कहता हूं नहीं मुझे तीन लाइंस पे नहीं करना था, मुझे ये सेवन लाइंस पे करना था, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको फिर दोबारा सिलेक्ट करो, ड्रॉप कैप ऑप्शन, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब आप उसको बताओ कितनी लाइन है, बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस है, थ्री, मैं कहता हूं सेवन लाइंस, ओके सेवन लाइंस हो गया। अब आप, मैं कहता हूं नहीं जी मुझे तो यहां पे नहीं चाहिए था, मुझे ये चाहिए था थ्री लाइन का लेकिन मार्जिन्स में चाहिए था, तो मैं वापस जाता हूं ड्रॉप कैप ऑप्शन, मुझे उसी तरह थ्री लाइंस, ओके लेकिन कहां पे चाहिए, मार्जिन के अंदर। अब देखो ये मार्जिन में, तो आप किसी भी जगह पे अपने टेक्स्ट को ड्रॉप कैप कर सकते हो। ये दफा